मध्य प्रदेश की दो सीटों पर उपचुनाव हुए, उनकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। विजयपुर की अगर बात करें तो यहां पर उपचुनाव बेहद दिलचस्प था, भारी बवाल भी देखने को मिला था। वोटिंग वाले दिन बहुत सी घटनाएं भी हुई, वोटिंग से पहले गोलीबारी तक हो गई, गोलीकांड तक हुआ। लेकिन इन तमाम सारी बातों के बीच जनता ने अपनी कमान अब कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के हाथों में सौंप दी है। रिपोर्ट आप देखिए। तमाम बातों और वादों के बीच विजयपुर की जनता ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है और विजयपुर की कमान कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के हाथों सौंप दी है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से भाजपा सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत हार गए हैं और जीत का ताज मुकेश मल्होत्रा ने पहन लिया है। ऐसे में एक नजर पहले बीजेपी की हार के फैक्टर्स पर डालते हैं। बीजेपी की हार के फैक्टर्स: रावत के प्रचार से सिंधिया की दूरी, वोटिंग से पहले हिंसा, मुकेश मल्होत्रा का आदिवासी फैक्टर, कांग्रेस का दल बदल का मुद्दा, 1990 से कांग्रेस का गढ़। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी के रामनिवास रावत को लगभग 7000 वोटों से मात दी है और सबसे खास बात ये रही कि इस चुनाव में कांग्रेस ने एक मंत्री को शिकस्त दी है। बीजेपी के तमाम दावे फेल हुए, जिसके बाद कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा बेहद ही खुश दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ की जनता को, वोटर को, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, उधर प्रशासन का हमारे साथ जनता थी और यहाँ के कार्यकर्ता और नेता सब ने चुनाव लड़ा हमारा। प्रदेश सरकार के वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव हार गए। रामनिवास रावत कद्दावर नेता रहे हैं जो 6 बार विजयपुर सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा और पार्टी इस हार को जनता का मत बता रही है। परिणाम है, राजनीति में कभी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कोई मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। इंसिडेंट्स हैं जिनके कारण से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विजयपुर की भी अगर हम हारे हैं तो हम उसकी भी समीक्षा करेंगे और फिर जीतेंगे। ये तो चलता रहता है राजनीति में, जीत और हार दोनों लगी, कितना एक जीते हैं और एक हारे हैं। चुनाव से पहले दोनों ही दलों ने बड़े बड़े दावे और वादे किए। सरकार ने विजयपुर विधानसभा में 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए। सिंधिया को छोड़कर बीजेपी के बड़े नेता और सरकार के मंत्री विजयपुर में डेरा डाले रहे, लेकिन आदिवासी वोटर्स की नाराजगी में ये सब धरा का धरा रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो विजयपुर में तो कांग्रेस को जीत नसीब हुई है, लेकिन एक और सीट थी मध्य प्रदेश में जहां पर उपचुनाव हुए और वो सीट थी बुधनी, जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि जब तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे यहीं से चुनाव जीतकर विधायक बनते रहे और अब वो केंद्र में मंत्री हैं। इस बार यहां पर बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव की जीत हुई है। कईयों की साख यहां पर दांव पर लगी हुई थी, लेकिन बुधनी की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। शिवराज सिंह का गढ़ कही जाने वाली बुधनी विधानसभा सीट में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। यहां की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव पर भरोसा जताया है। बुधनी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत भार्गव 13,846 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के राजकुमार पटेल को हार का सामना करना पड़ा। जीत हासिल करने के बाद रमाकांत भार्गव ने जनता का धन्यवाद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जीत का श्रेय किसको दिया जाए? डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय बीडी शर्मा जी, और बुन्नी में माननीय शिवराज भैया ने जो विकास के काम किए हैं, बुन्नी को विकास का मॉडल बनाया है, उसकी ये जीत है। हमारे संगठन की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। आगे भी हम विकास के मुद्दे पे जो भी काम शेष रह गए उनको पूरा करने का। 13 नवंबर को बुधनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कुल 20 प्रत्याशी मैदान में थे। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज के करीबी रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी राजकुमार पटेल पर दाव लगाया था और आज जनता ने खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए रमाकांत भार्गव को मौका दिया और राजकुमार पटेल को हार का स्वाद चखना पड़ा। और मैं ये कह सकता हूँ कि परिणाम संभवतः कुछ और हो सकते थे अगर थोड़ा सा और एक एंगल बदल जाता चुनाव का,
नहीं हो पाया। ये सीट शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी और अब शिवराज केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस शिवराज के इस किले को भेदने में नाकाम हुई है। हालांकि बुधनी के इस उपचुनाव में कईयों की साख दांव पर लगी हुई थी। कांग्रेस और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्रमशः जीतू पटवारी और वीडी शर्मा की साख दांव पर थी। शिवराज और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिष्ठा भी इन चुनावों में दांव का हिस्सा बनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।